हमारे यहाँ उपस्थित भारी संख्या में दूर दराज से आई हमारी माताएं बहने बड़े बुजुर्ग भाई दादा, आप सभी को मेरी तरफ से एक झारखंडी जोहार है। जोहार, जोहार, जोहार। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? बढ़िया। तो सबसे मेरा पहला सवाल, कुछ अपनी बातों को रखने से पूर्व मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जानते हैं आप कि ये जो यात्रा चल रही है मैया सम्मान यात्रा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हमारी माताओं बहनों से, कि क्या झारखंड में आप लोगों के लिए, माताएं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए हम लोग जो ये योजना लाए हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, आप लोग इससे खुश हैं या नहीं है? दोनों हाथ उठा के आप बता दीजिए, उसी में जवाब हमको मिल जाएगा। हमारी माताएं बहनें, आप खुश हैं या नहीं है? बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये धन्यवाद इसलिए है, ये मेरी तरफ से भी धन्यवाद है और हमारे झारखंडी सरकार की तरफ से भी धन्यवाद है, और खास करके आपके प्यारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी ये धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा था कि अगर तुम जाओगी तो जा करके सबसे पहला सवाल ये पूछना कि झारखंड की हमारी जितनी माताएं बहनें हैं उनको ये योजना पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपके हाथ उठाने से मुझे जवाब मिल गया, आपके हाथ उठाने से पूरे झारखंड को जवाब मिल गया कि झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हिट है। हिट है कि नहीं है? हिट है। और जब झारखंड की दीदी बहनों ने इसे हिट कर दिया है तो हमारे विपक्षों को तो वैसे ही जवाब मिल गया है कि उनकी पिक्चर फ्लॉप है। और हेमंत जी ने जो हमारी दीदी बहनों के लिए ₹1000 खाते पर महीना, हर महीना, महीने का ₹1000, साल का ₹12000, और इसकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि एक महिला के स्वरूप में मुझे भी पता है कि घर की महिलाओं को, गृहिणी की कोई वेतन या सैलरी नहीं होती है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी लाखों लाख बहनों को इसकी राशि दी है और ये वो आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो सके, उनको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। और ये सोच झारखंड के लिए क्रांतिकारी सोच है। झारखंड को बने हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन इतने वर्षों में भी किसी ने ऐसी सोच नहीं रखी थी कि महिलाओं को पीछे छोड़ दिया जाता था। घर में अगर आप देखते भी हैं, आप अगर देखते हैं कि पिताजी हो, भाई हो, अगर बाहर काम करने जाते हैं तो घर संभालती हैं माताएं बहनें, परिवार को देखती हैं, सुबह से उठ करके रात तक सबका ध्यान रखती है, पैसा जरूर कमा करके भाई दादा लाते हैं, पिताजी लाते हैं, लेकिन घर कैसे चलाना है ये घर की महिलाओं से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। और ये एक राशि नहीं है, मैं बार बार कहना चाहूंगी, ये एक राशि नहीं है, ये एक हर झारखंड की हर महिलाओं को सशक्त कराने का एक प्रयास है और आप लोगों को आर्थिक स्वरूप से मजबूत करने का एक प्रयास है, ताकि छोटी सी छोटी जरूरतें जो हमारी होती हैं वो आप लोगों को किसी के सामने में झुकने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आप मजबूर ना हो। आज यहाँ पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, भारी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ, हमारी राज्य की मंत्री
बेबी देवी जी की अगुवाई में हम अभी मैया सम्मान यात्रा में निकले हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय बेबी देवी जी का, जिन्होंने मुझे भी सम्मिलित किया इस यात्रा में। साथ में दीपिका जी भी हैं और साथ में यहाँ पर मैं यहाँ के विधायक हमारे बड़े भैया मिथिलेश ठाकुर जी भी हैं। और एक भारी मात्रा में मैं जो उत्साह देख रही हूँ, चाहे वो महिलाओं के लिए अंदर में हो, चाहे वो भैया के अंदर में हो, ये देख करके पता लग रहा है कि गढ़वा पहले से बहुत ज्यादा सुंदर, सुगम और बहुत ही ज्यादा जगमग हो गया है। क्योंकि कल मैं चौपाल में भी थी, वहां पे बहुत सारी महिलाओं ने अपने गढ़वा के बारे में बातें बताई, चाहे घंटा घर की बात हो, चाहे डैम की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो। हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई के साथ इस यहाँ के हमारे बड़े भैया, उन्होंने जो सबके जीवन में हमारी जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने का काम किया है। और मैं बस उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिस गर्मजोशी के साथ गढ़वा में हमारा स्वागत किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार करना चाहती हूँ और यहाँ की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। बस आपको मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगी। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में जब कोविड आया था, तो कोविड के समय में किस तरीके से हम लोगों का सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन हम लोग को झारखंड में गरीब गुरबा, दलित पिछड़ा, आदिवासी अल्पसंख्यक, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं। आप लोगों को पता ही होगा हमारे मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए थे। किसी को झारखंड में अगर बस से, रेल से या हवाई जहाज से अगर झारखंड में लाए हैं मजदूर भाइयों को, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी लेकर के आए हैं। और मजदूर भाइयों के साथ हमारे हेमंत सोरेन जी रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा रहा है, महागठबंधन हमेशा साथ में रहा है। मैं बताना ये इसलिए चाहती हूँ क्योंकि जो गरीब गुरबा है उसकी आवाज बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा बढ़ा है। चाहे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी हो, चाहे हमारे इस पार्टी के कितने बड़े बड़े आंदोलनकारी हो, सब लोगों ने गरीब गुरबा, हमारे पीड़ित, हमारे पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और खास करके हमारे मजदूर भाई लोग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे बड़े बड़े नेता केंद्र से आ रहे हैं, और केंद्र से आते आते उसमें साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के लिए, खास करके मजदूर भाइयों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि झारखंड में हमारे मजदूर भाइयों का अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो उनका रैंकिंग सबसे नीचे आता है। उनको जो पैसा मिलता है वो पैसा का दर सबसे नीचे है, और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने सिर्फ झारखंड वासियों को, यहाँ के मजदूरों को, हम लोगों के साथ हमेशा से भेदभाव किया है, झारखंड की जनता के साथ भेदभाव किया है। चाहे उनकी मेहनत आना, आपको पैसे की बात हो, उसमें सबसे नीचे की श्रेणी में झारखंड आता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा मनरेगा के हमारे मजदूरों का, मैं जितनी हमारी महिलाएं हैं, या खास करके हमारी गर्भवती महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, दिव्यांग हो, इन लोगों के हिसाब से उसमें जो कार्य है वो नहीं कर पाते थे, और उन लोगों को बहुत शारीरिक परिश्रम करना मुश्किल होता था। और हेमंत जी हर वक्त केंद्र से यही मांगते थे कि मनरेगा का जितना पैसा है वो हम लोगों को दिया जाए, लेकिन
मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन लोग की केंद्र सरकार की कान में जू तक नहीं रेंगती है। अगर गरीब गुरबा की बात आए, मजदूरों की बात आए, शोषित की बात आए, ये लोग सुनते भी नहीं है। और उसके बाद हेमंत जी ने हमारे राज्य के मनरेगा मजदूरों के लिए उनको पैसा बढ़ाने का भी काम किया, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, हमारे वृद्ध हैं, उन लोगों को बिरसा हरित ग्राम से योजना से जोड़ा, जिससे वे फलदार पौधे लगा भी सकते हैं, उनकी कुड़ाई भी कर सकते हैं, और उसको लगाने देखने के लिए हर उनको एक राशि भी दी जाती है, ताकि उनको किनके किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ये सोच है हेमंत सोरेन जी की, चाहे महिला गर्भवती ही क्यों ना हो, चाहे महिला वृद्ध ही क्यों ना हो, चाहे इस राज्य में दिव्यांग ही क्यों ना हो, वो भी आत्मनिर्भर हो करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये है हेमंत सोरेन जी की सोच। और मैं आपको ये किस लिए बता रही हूं, मैं इसलिए बताना चाह रही हूं, ये झारखंड माटी का बेटा हेमंत सोरेन जी जो आज राज्य का मुख्यमंत्री है, ये हर एक वर्ग को साथ में जोड़ने का काम करता है, हमेशा हर लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करता है, ये कभी भेदभाव नहीं करता। आप लोगों को शायद पता ही होगा, हमारे बगल के राज्य में बिहार में एक दलित परिवार का घर जला दिया गया था। सोच देखिए, दलित परिवार का घर जल गया था, जला दिया गया था, उसमें कितने सारे बच्चे, परिवार, बड़े बुजुर्ग थे। लेकिन सोच इतनी विध्वंसक है, इतनी नफरती सोच है, और वहां किसकी सरकार है वो आप लोगों को पता है, वहां भाजपा की सरकार है। लेकिन ये सवाल, ये घटना मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये मैं बता इसलिए रही हूं कि भले केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है, लेकिन इनको हमारे दलित हो, हमारे पीड़ित हो, मजदूर हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, इनसे बहुत तकलीफ होती है, और ये कभी नहीं चाहते कि हम लोग मजबूत हो। और आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी जितनी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ये किसी जाति धर्म के आधार पर में नहीं, हम लोग उसकी नफरत, हम लोग ये लोग चाहते हैं कि यहां पर में नफरत हो, झारखंड टूट जाए, बिखर जाए, सब आपस में लड़े, फूट डालो, शासन करो के बारे में ये लोग सोचते हैं, और यही ये लोग झारखंड में लेकर आए हैं। आज आप देख सकते हैं कि झारखंड में कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और रोज आ रहे हैं, और यहाँ तो इतने अलग अलग राज्य से मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, केंद्र मंत्री सब आ रहे हैं, 6 से 7 साल। बस मेरा सवाल आप लोगों से है, वो व्यक्ति जो दिन रात सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो दिन रात अपने समाज, अपने झारखंड के बारे में सोचता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है, क्या आप उनके साथ हैं या नहीं हैं? हमारी दीदी बहने बताइए, आप हैं या नहीं हैं? अपने दादा, अपना बेटा के साथ हैं या नहीं हैं? ये यात्रा सिर्फ एक योजना को आगे बढ़ाने की यात्रा नहीं है, ये सबको संगठित करने के लिए यात्रा है। हमारे दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हमारे सभी लोगों को, हमारे सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ संगठित करने के लिए ये यात्रा है। और इसकी अगुवाई के लिए मैं माननीय बेवी देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, ये 1000 रुपए की बात नहीं है, आज झारखंड में एक मुख्यमंत्री को जेल में भेजने का काम करते हैं बीजेपी वाले लोग। 5 महीना है हेमंत सोरेन जी का, कौन वापस ला करके देगा? जो वो काम करना चाहते हैं झारखंड के लिए, वो जिन्होंने वक्त ही हेमंत जी का छीना है, वो वापस कौन ला करके देगा? ये जनता इस बार आप लोगों को जवाब देना है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी आपका अपना भाई है, आपका अपना दादा है, जो हर वक्त, हर घड़ी इस प्रयास में है कि किस तरीके
इस झारखंड को बचाया जाए। ये जो झारखंड बना है हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के त्याग से बना है। आज उनकी बातें कोई नहीं करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि जितनी योजनाएं झारखंड में चल रही है या आपके अकाउंट में पैसा आता है, चाहे हरा राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन हो, चाहे आपको सावित्री बाई फूले की योजना में से पैसा आता है, चाहे आपको विदेश में भेजने के लिए सरकार एक भी रुपया आपका खर्च ना हो उसके लिए पैसा देती है, या आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलता है उसके लिए आपके अपने हेमंत जी मुख्यमंत्री जी आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत लोग आप लोगों को बरगलाने के लिए आएंगे और ये बताएंगे कि ये जो योजना चल रही है ये केंद्र से चल रही है, लेकिन अभी मैंने जितना गिनाया लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। ये जितनी भी योजनाएं झारखंड में है वो हमारे हेमंत सोरेन जी की तरफ से है। और आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप गलत के साथ में है या सच के साथ में है, क्योंकि सच का सफर थोड़ा कठिन होता है, बहुत सुगम रास्ता नहीं होता है। और आज हेमंत सोरेन जी आपको मैं बताना चाहती हूं कि झारखंड बोलते हैं बहुत गरीब राज्य है, गरीब राज्य है, लेकिन झारखंड की धरती के नीचे इतना खजाना है कि केंद्र की नजर उस खजाने पे पड़ी रहती है और निकाल के लेके जरूर जाते हैं लेकिन उसका बकाया पैसा राज्य को नहीं मिलता है। और हेमंत जी ने यही किया, अपने झारखंड वासियों का पैसा, आप लोगों का पैसा, 1,36,000 करोड़, 16,000 लाख नहीं, 1,36,000 करोड़ केंद्र से मांगा है, लेकिन अभी तक पैसा हेमंत जी को नहीं मिला है। अगर ये पैसा मिल जाता तो हमारे झारखंड का जो विकास अभी हेमंत जी कर रहे हैं इससे कई गुना तेजी से इसका विकास होता। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ केंद्र सरकार सिर्फ वहां पर में ध्यान देती है जहां इनकी अपनी सरकार होती है। आप लोगों को पता है ये मैया सम्मान योजना हम लोगों ने जब शुरुआत की आपके अकाउंट में पैसे आ गए, इनके गैंग लोग मिल करके PIL कर दिए। किस योजना से गलत तरीके से दिया जा रहा है मैं पूछना चाहती हूं कि किस लिए जब झारखंड में ऐसी योजना चलती है तो PIL हो जाता है और जब ऐसी ही योजना बीजेपी शासित राज्यों में चलती है तो वहां सब कुछ संवैधानिक हो जाता है। झारखंड जो योजना लाए वो असंवैधानिक और दूसरे राज्य वैसी ही योजना लाए तो वो संवैधानिक। लड़ाई बहुत गहरी है, गहन है, आप लोगों को सोचना है। बात है अगर आपके चेहरे की खुशी में इतना सा भी अगर हेमंत जी का है तो आप भरपूर मात्रा में उनको आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि दिन रात यही कोशिश है कि आपके चेहरे में खुशियां आए। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी, चाहे 1,36,000 करोड़ हो या मनरेगा का बकाया पैसा हो, हमारे झारखंड राज्य में आजकल बहुत मंत्री आ रहे हैं और केंद्र से हमारे बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, उनको पूछना होगा कि मनरेगा का पैसा बकाया जो है वो कब दीजिएगा। झारखंड तो आप आ जरूर रहे हैं, आइए, आपका स्वागत जरूर है, लेकिन हमारा सवाल ये आप लोग जरूर पूछिएगा। अगर कल को आपको बीजेपी के वाले लोग मिले तो ये जरूर पूछिएगा कि हमारा झारखंडी बकाया पैसा वापस कब मिलेगा। तो मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए, आप लोग यहाँ आए हैं और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और थोड़े समझने की और गहन चिंतन की जरूरत है आप सभी को। आप सभी को इसलिए क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने दो मुहा चेहरा बहरूपीय लोग बहुत आएंगे। एक तरफ ये बातें करते हैं कि हम अंबेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं और दूसरी तरफ ये
उनकी विचारधाराओं को पैर से कुचलने का काम करते हैं। जितने आरक्षण की, महाराष्ट्र में आरक्षण की बात हो, उसको वो काटने का काम करते हैं। एक तरफ ये उनकी मूर्ति में माल्यार्पण करते हैं तो दूसरी तरफ उस मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं। तो चिंतन आप सबको करना है कि आपके साथ कौन खड़ा है, आपका हमदर्द बन के आपके साथ कौन खड़ा है। और अगर जहन में वो नाम आएगा तो वो नाम सिर्फ हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा, हेमंत सोरेन होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, झारखंडी जोहार है, जय हिंद, जय झारखंड। और आखिर में खासकर मेरी बहनों के लिए नारी शक्ति जिंदाबाद करना है, इस योजना को जिंदाबाद करना है। आप लोग साथ देंगे? देंगे? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी यहाँ आए, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।